हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा सिया पार्क वाला, तो उसके साथ ये कॉन्टिन्यूड है। तो उसके बाद हम लोग जो एग्जीबिशन के बाद हम लोग आए हैं, ये राज ट्रेडर्स एक शॉप है, एक्सक्लूसिव हैंडलूम शॉप है। यहाँ पे सारे साड़ीज हैंडलूम वाले मिलते हैं, इवन कुर्ता धोती सब कुछ है, जेंट्स का भी है, साड़ी वगैरह सब कुछ है। तो लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ से लिया था, तो यहाँ पे अब हम लोग आए हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे कुर्ते वगैरह है। ये बिल्कुल मार्केट नंबर 1 जो है सीआर पार्क का, उसके पीछे एक छोटा सा मंदिर है, उसके सामने ही है। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको क्लिप में लोकेशन दिखा दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, 20% डिस्काउंट भी चल रहा है उनके पास अभी। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। ये प्रिंटर सुंदर ना, कितना रश है ना। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कांजीवरम सिल्क। इनके पास में कांजीवरम सिल्क के दो वेराइटीज है, एक थोड़ा लो रेंज का है जो कि ब्लेंडेड है, और एक है जो बिल्कुल प्योर है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो वो दिखा रहे हैं ना जिसमें पिंक वाला कलर है इसके साथ में, ये ब्लेंडेड वाले हैं। ये 4-5 थाउजेंड के रेंज में है, एंड इसमें कलर्स भी ये वाले डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। सो ये थोड़ा मतलब कि लो बजट में है, तो ठीक है, अगर आपको मन है लेने का कम बजट में तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड ये वाला जो कांजीवरम है ग्रे एंड पिंक वाला, ये है ओरिजिनल, ये है 10,000 का। एंड ये ओरिजिनल है, बिल्कुल प्योर कांजीवरम है जिसमें कुछ भी ब्लेंडिंग नहीं है। एंड यहाँ पे कुछ प्योर सिल्क भी मैं देख रही थी, तो गिफ्ट्स के लिए ना प्योर सिल्क अच्छे होते हैं, तो वही देख रही हूँ। उस शॉप पे ना बहुत रश हो गया था, और हाँ मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड भी मुझे मिले थे, इस फैमिली के मेंबर, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उनका नाम था देवजानी, तो बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके। बस वहाँ पे फिर लेट हो गए, तो यहीं से हम लोगों ने थोड़ा डिनर वगैरह पैक करवा लिया था, बिरयानी नूडल्स एंड कटलेट वगैरह। तो यहाँ पे और ये सब ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वही है बस। यहाँ से हम लोग फिर अब घर जाएंगे, तो इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने सीआर पार्क से क्या क्या शॉपिंग करी है। सीरियसली यहाँ पे आके लग रहा है कि यस, दुर्गा पूजा इज कमिंग सून, है ना। पूजा और बाजार सुशु आगे आगे आए हैं अभिषेक। यहाँ पे आके लग रहा है कि दुर्गा पूजा इज कमिंग सून। वहाँ पे तो पता ही नहीं चलता है गुड़गांव में, मतलब कोलकाता में इसका 3 times ज़्यादा हाल है। देखो रोल कैसे बना बना के रखे हुए हैं। आओ और हमें खाओ मांगशत्तु का ये जाए एक्टिका में खा जा नहीं तो खा जा। सो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से सीआर पार्क से, और टाइम हो रहा है, बंद कौन कर रहा है ना, बंद मत करो। सो अभी टाइम हो रहा है 8:40, और अभी हुआ है हम लोगों का सब कुछ लेना देना, शॉपिंग कंप्लीट। एंड यस, मैंने वो बोला था ना कि बारिश बहुत लकी होगा, सच में लकी हुआ। मतलब खाना हम लोगों ने पैक करवा लिया, क्योंकि अब जाके और वो नहीं, बस अमायरा के लिए मैंने खाना मैं बना के आई हूँ, तो अमायरा खा लेगी। हम लोग अपना बिरयानी वगैरह पैक करवा के, चिकन कटलेट हम लोग खाया, बहुत टेस्टी था, सही में बहुत टेस्टी। एंड सबसे अच्छी बात जो मेरे साथ आज हुआ, मेरी एक सब्सक्राइबर फैमिली की एक मेंबर मुझे मिले, और मैंने तो डेफिनेटली नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे पहचान लिया साड़ी की शॉप में। उनका नाम है देवजानी, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं देवजानी जी, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल ऐसी हो गई कि कैमरा ऑन करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब फर्स्ट टाइम आप किसी ऐसे मिल रहे हो ना, मतलब फर्स्ट टाइम जैसे बाहर कहीं पे एकदम से मिले। सीरियसली मुझे तो मैं समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या बात करूँ। तो वो पूछे, वो मुझसे पूछे कि दुर्गा पूजा शॉपिंग होने वाला, हाँ दुर्गा पूजा शॉपिंग। तो लास्ट ईयर हम लोग जब सीआर पार्क में आए थे, साड़ी शॉप पे गए थे, वहां पे भी गए थे,
एंड जो एग्जीबिशन में सबसे पहले गए वहाँ पे भी गए थे, तो दोनों ही हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, दोनों ही बहुत अच्छा था। एंड शॉपिंग भी हुई, मेरी भी हुई, अभिषेक की भी हुई, फैमिली मेम्बर्स में भी, उन लोगों के लिए भी लिया है। तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। अभी तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अभी पहुंचते पहुंचते ही 9:30 टाइप्स हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरा जैम है। कल सुबह मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, अभी जाके उसको खाना खिला दूंगी क्योंकि बाहर अभी काफी देर से ना, मतलब ऐसे अटरम शटरम कुछ खा रही हैवी सा कुछ गया नहीं है, तो जाके उसको खिला के सुला दूंगी। सुबह मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि क्या क्या लिया है। बट हाँ, दिल खुश कर दिया आज, थैंक यू। चलिए चलते हैं अब गुड़गांव की तरफ, थोड़ा ट्रैफिक है आज। एंड सच में मतलब सीआर पार्क पे जाके ना सच में ऐसा लग रहा था मैं किस कोलकाता में आ गए, मतलब वही वाला एकदम रौनक, हॉटस्पॉट, मतलब हर जगह में बस वही आवाजें सुन रही है, 42 साइज 44 साइज। जब साड़ी की दुकान में जैसे गए ना, साड़ी की दुकान में क्या भीड़, बैठने की जगह नहीं है, ये हालत थी सीरियसली। दुर्गा पूजा की शॉपिंग दिखा रही हूँ मैं, जो सीआर पार्क से किया है। ज्यादा लेट करने का फायदा नहीं है क्योंकि अभी मुझे भी जाना है टेलर के पास में इनको स्टिचिंग में देने के लिए। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ वहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा था, मैंने वहाँ से लिया अपने घर के लिए एक बेडशीट अपने बेडरूम के लिए। तो ये है प्योर कॉटन में, बेज कलर है और इसमें ऐसा प्रिंट है एंड बीच बीच में वाइट है। तो मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को ना सटल कलर्स ना, पता नहीं समहाउ पहले मुझे वो वाइब्रेंट कलर्स बेडशीट्स के अच्छे लगते थे, बट अभी देख रही हूँ धीरे धीरे ना मुझे सटल कलर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब वाइब्रेंट कुशन्स हो बट जो बेड स्प्रेड हो वो थोड़ा सा लाइट में हो। तो ये इसके साथ में दो पिलो कवर्स है, ठीक है, एंड ये है इसका। प्योर कॉटन है एंड बिल्कुल मतलब कि ये है सुपर किंग साइज, मतलब चारों तरफ से इसका फॉल अच्छा रहेगा। देन मैंने अपने लिए लिया काफ्तान, इसको बोलते हैं गामछा, गामछा वाला जो मटेरियल होता है ना उस पे बना है, बट थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर है उससे। Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. ऐसा है ये। हाँ, पिस्ता ग्रीन कलर का ये है, देन यहाँ पे बीच में जैसे काफ्तान का एक ड्रॉस्ट्रिंग होता है वो है, एंड साइड में ना बाटिक तो नहीं है, हाँ हल्का सा यहाँ पे देखो ऐसे इस तरफ में ये है एंड इस तरफ में ये है, और नीचे ना ऐसे टैसल्स है जो मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड ये पूरा लॉन्ग है, मतलब कि ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, एंकल तक टच हो रहा है ये, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा ये वाला। सो ये है, और ये प्योर कॉटन है, बहुत सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल जैसे वॉश्ड वाला कपड़ा होता था वैसा वाला कपड़ा, मतलब पहन के तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा है कि ड्रेस की तरह भी यूज़ हो सकता है एंड देन घर पे जैसे आप मतलब बिल्कुल कम्फर्टेबल एक। सो ये लिया है मैंने, वहाँ पर बहुत सारे थे, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के थे, शॉर्ट काफ्तान्स भी थे, लॉन्ग भी थे, इसके हैंड बैग्स थे, पेंसिल बॉक्सेस थे, बहुत कुछ आइटम था। सर के लिए लिया है मैंने ये वाला एक कुर्ता। सर अभिषेक के लिए कुर्ता लिया है क्योंकि टी शर्ट शर्ट्स हो चुका है, एक कुर्ता है स्टॉक में, तो यह अच्छा लगा ये वाला कुर्ता मैंने लिया है। मतलब या तो ये डेनिम के साथ पहनो या जो होता है पजामा, पजामी जो चूड़ीदार बोलते हैं जिसको, चूड़ीदार पजामा जो भी हो उसके साथ बहुत अच्छा देखने में, बहुत अच्छा। तो मैंने सब फैमिली मेंबर्स सबके लिए लिया है सब कुछ, बट मैं अभी इस टाइम पे सिर्फ मेरा और अभिषेक का ही दिखा रही हूँ, अमायरा का दिखा चुकी हूँ, जो उनके लिए लिया है वो गिफ्ट्स है तो मैं पहले नहीं दिखाना चाहती, फिर वो लोग देख लेंगे ब्लॉग में, तो वो सरप्राइज रहने देती हूँ। सो ये लिया है अभिषेक के लिए कुर्ता 42 साइज, और देखो मैंने ना ये दो एयर रिंग्स खरीदे हैं, ये सब हैंडमेड है, ये बहुत अच्छा लगा। इस पे ना देवी लिखा हुआ है एंड पर्ल्स लगा हुआ है, और इसमें ऐसे एक मास्क सा बना हुआ है, तो ये रेड के ऊपर मैं ना ऐसे
उसके ऊपर पे पेंट करके कितना अच्छे से मतलब बना के देन इसको वो किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल यूनिक लगा। तो अभी ये जैसे दुर्गा पूजा फेस्टिवल्स में ना फेस्टिवल्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो मैच करके ये चल जाएगा। तो ये मैंने लिया है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने साड़ीज खरीदी। वहाँ पे एक शॉप है, शॉप का नाम है सीआर पार्क में। आज भी मुझे किसी ने कमेंट किया है कि लास्ट दुर्गा पूजा में मैंने शॉपिंग किया था, कहाँ से किया था, शॉप का मैंने एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया वहाँ पे। तो मैं फिर भी एक बार एड्रेस दे देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। इस क्लिप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राज ट्रेडर्स करके है ये, मार्केट नंबर 1 में ही है, ऑपोजिट मार्केट नंबर 1 में है राज ट्रेडर्स। उसके पास में हर तरह की साड़ीज़ है, बिल्कुल अच्छे प्राइस में, मतलब ठीक प्राइस में, जेन्युइन प्राइस में, एंड देन 20% डिस्काउंट चलता है दुर्गा पूजा सेल के नाम से। तो मैंने एक कांजीवरम सिल्क लिया, मेरा बहुत दिनों से मन था एक कांजीवरम लूँ, खुद चॉइस करके एक अभिषेक बहुत पहले चेन्नई से लेके आए थे। ये वाला जो है बहुत प्यारा कलर है, देखो इसका ना मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो पूरी बॉडी है और ये इसका ब्लाउज पीस है। कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मुझे बहुत प्रिटी लगा ये वाला। नेक्स्ट लिया है मैंने टेसर। ये टेसर जो है हैंड पेंटेड है, इस पर ना पूरा पेंट किया हुआ है, और देखो ये पूरा हैंड पेंटेड है। दिस इज़ हैंडलूम साड़ी, ये पावरलूम नहीं है, हैंडलूम है, पूरा इस पर हैंड पेंट है, प्योर टेसर सिल्क है। और ये इतना हल्का है, बहुत लाइट वेट है, मतलब ये मुझे लगता है मॉर्निंग में भी आराम से पहन सकती हूँ, मतलब अगर ज़्यादा धूप में घूमना नहीं हुआ तो आराम से कैरी कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो ये बहुत सुंदर एक साड़ी, मैं पूरा नहीं खोल रही हूँ, जस्ट आपको हल्का सा ग्लिम्स दे रही हूँ साड़ी का, तो आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपको पसंद। ये मैंने एग्जीबिशन से लिया है। तो एक तो ये लिया है, दिस इज प्योर सिल्क। ये ऐसा है पूरा, इस पे ना सिल्क के ऊपर में देखो ऐसा फॉइल प्रिंट किया हुआ है, ऐसे कोलका, कोलकर, कोलका बोलते हैं बंगाली में, मतलब ऐसा बना हुआ है। एंड ये इसका बॉर्डर है, एंड ये इसका क्या बोलते हैं पल्लू। प्योर सिल्क में तो ब्लाउज पीस नहीं होता है ना, तो ये है पल्लू। ये भी बहुत प्रिटी कलर है, मतलब बेज के ऊपर में गोल्डन और ब्लू का ना कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये ऐसे है, हाँ जब भी पहनूंगी तब तो आप लोग देख ही लोगे पहन के। तो लास्ट ईयर भी मैंने वहाँ से बोमका ही लिया था, देन मैंने बालू चूड़ी जिसको बोलते हैं, शॉर्नो चूड़ी भी बोलते हैं, वो भी मैंने वहीं से लिया था, राज ट्रेडर्स से। कुछ मैंने एक आधा एग्जीबिशन से लिया था। तो मुझे बताना आप लोग कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लग रही है, कैसी लगी आपको मेरी दुर्गा पूजा वाली शॉपिंग। चलो अब इनको धीरे धीरे रेडी करवाना है, देन देखती हूँ उसके साथ में क्या ज्वेलरी पहनना है। मतलब दुर्गा पूजा 4 दिन का होता है पर प्लानिंग कितनी सारी होती है। आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।